हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेकर आया हूं जो कि फंडामेंटली बहुत मजबूत कंपनी है। नाम तो आप सभी ने देख लिया होगा, सिप्ला लिमिटेड के बारे में बात करने जा रहा हूं आज। दोस्तों देखिए, इस शेयर में हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्योंकि आप देख सकते हैं इसके अंदर ये अपने 52 वीक लो के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। इसका 52 वीक लो देखें जो अभी इसने कल ही बनाया है, कल तो मार्केट बंद था। देखिए, ये बनाया है इसने 52 वीक का लो जो इसने परसों ही बनाया है 869 रुपये का, और फिलहाल 76 रुपये पे कारोबार कर रहा है, 876 रुपये पे। तो दोस्तों, हमें इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिल रही है खरीदारी करने के लिए। आप इस पर नज़र बना कर रखें, बहुत जल्द ये आपको मेरे हिसाब से तकरीबन 10 या 20% आपको महीने डेढ़ महीने के अंदर प्रॉफिट बना कर दे देगा। बड़े बड़े जो ब्रोकर हाउस हैं उन्होंने इसको टारगेट भी दिया है, वो टारगेट भी मैं आपको दिखाऊंगा। और बाकी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी बातें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलिए बाकी कुछ और फंडामेंटल्स का चेक करते हैं। देखिए, कंपनी की न्यूज़ निकल कर आई है जो कि आज ही की ये न्यूज़ है, ये आप देख सकते हैं। जेफरीज कट्स टारगेट लोअर्स EPS, आउटलुक फॉर सिप्ला फ्लैग डिले इन FDA अप्रूवल्स, ये आज की न्यूज़ देख ली आपने। अब मैं आपको कुछ टारगेट दिखाने की कोशिश करता हूँ जो बड़े बड़े ब्रोकर हाउस ने टारगेट दिए हैं। ये टारगेट देखें आप, पहला नेचुरल सिप्ला टारगेट, नेचुरल ने दिया है इसको 990 रुपये का टारगेट, मोतीलाल ओसवाल देख सकते हैं आप। दूसरा ये देख सकते हैं बाय सिप्ला टारगेट 1070, प्रभुदास लीलाधर। अगला टारगेट भी देखें, होल्ड सिप्ला टारगेट 1080, शेर खान। देखिए, इन तीन बड़े ब्रोकर हाउस ने बहुत बड़े बड़े टारगेट दिए हैं इसको, जो कि ये शॉर्ट टर्म में है, लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा। लॉन्ग टर्म में तो कंपनी कहीं भी जा सकती है, जिस तरीके की कंपनी है, जानी मानी कंपनी है। सिप्ला एक अलग ही ब्रांड है फार्मा सेक्टर के अंदर। तो चलिए और भी कुछ देखने की कोशिश करते हैं। आप इसका एक निगेटिव पॉइंट भी देखें, इसमें देख सकते हैं इस घेरे में आप 40% इसको सेल करने की सलाह दी जा रही है और 40% बाय करने की सलाह दे रहे हैं इसको, और 40% सेल करने के लिए। तो इसका एक निगेटिव पॉइंट है, इस पर भी नज़र रखें। लेकिन मेरा मानना इतना है, कंपनी अच्छी है, इस पर आप नज़र बना कर रखें। जब भी आपको लगे कि हाँ खरीदारी के लायक हो चुका है शेयर, तो उसमें तुरंत खरीदारी कर सकते हैं। लगभग खरीदारी करने लायक तक बन चुका है जो अपने 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत और नीचे चला जाए, तो फिलहाल आप इस पर नज़र बना के रखें और जैसे ही आपको मौका मिले खुद की रिसर्च करके इसमें बाइंग कर सकते हैं। देखिए, अगर बात करें इसके फाइनेंशियल की, इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। 18 में जो 15,155 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, वो अब 21,763 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लें इसका, तो देखिए इसके अंदर हर किसी की हिस्सेदारी है, चाहे वो FII हो, DII हो, पब्लिक हो, सबों की इसके अंदर हिस्सेदारी है। और सबसे अच्छी बात यह है, कंपनी के पास जितने भी परसेंटेज है शेयर की, इसके अंदर कोई भी प्लेजिंग नहीं है। तो ऐसा ये देखकर
साफ महसूस होता है कंपनी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, कंपनी अच्छे तरीके से काम कर रही है और कंपनी के प्रोडक्ट भी आप जैसे जानते हैं मार्केट के अंदर बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं। तो बस मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, आप जब भी किसी शेयर को ख़रीदें तो खुद की रिसर्च ज़रूर करें, हो सकता है वीडियो बनाने में थोड़ी बहुत गलती हो जाए या हमारे एनालाइज करने में थोड़ी बहुत कमी रह जाए, तो खुद की भी रिसर्च करना ज़रूरी है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर करूँगा, कहूँगा कि शेयर बहुत अच्छा है, कंपनी बढ़िया है और अपने 52 वीक लोग पर चल रही है, कारोबार कर रही है, इसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है बहुत जल्द, इसके अंदर हमें 15-20% का रिटर्न मिल सकता है। वो कितने दिन मिलेगा, 10 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने में, ये कोई कन्फर्म नहीं होता। लेकिन हाँ कंपनी अच्छी है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं, नज़र बना कर रख सकते हैं, जब भी आपको लगे कि हाँ अब मैं इसको खरीद सकता हूँ तो तुरंत ख़रीदारी करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।